की बार वाले कहां गए? अभी बार बार वहां हमले हो रहे, इसके बावजूद अब की बार वाले वहां जा नहीं रहे हैं। कल परसों मोहन जी भागवत उन्होंने भी कहा कि मणिपुर जल रहा है एक साल के बाद। खैर उन्होंने कहा तो सही, क्या अब भी प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे, गृहमंत्री वहां नहीं जाएंगे? कश्मीर तो उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार दरमियान एक बड़ा प्रचार किया था, 370 आर्टिकल हमने निकाला, उसकी सच्चाई भी क्या है मैंने भी रखी थी सबके सामने, और हमारे जो वकील साहब है असीम सरोदे जी उन्होंने भी कहा था। खैर वो बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ा है कश्मीर में? जाने तो जा रही है और ये तो व्यस्त है सरकार की। सरकार हमने कितने बार, तीसरी बार सरकार स्थापन किया, तो तीसरी बार स्थापन किया जरूर, लेकिन आपने अभी का अभी अभी क्या कि पिछले कितने दिन में तीसरी बार हमला हुआ? तीन दिन में तीन हमले हुए हैं, तो जिम्मेदार कौन है? क्या अब भी मोदी जी वहां नहीं जाएंगे? क्या अब भी वो बाकी जो विपक्ष, हम तो विपक्ष नहीं मानते प्रतिपक्ष कहते हैं, उनको ही खत्म करने में अपना आनंद मनाएंगे? तो जिम्मेदारी उनकी है, अगर उनसे ये सारी बातें नहीं संभाली जाती तो फिर से प्रधानमंत्री होने का उनको कोई अधिकार नहीं है। अब की बार वाले कहां गए? अभी बार बार वहां हमले हो रहे, इसके बावजूद अब की बार वाले वहां जा नहीं रहे हैं। कल परसों मोहन जी भागवत उन्होंने भी कहा कि मणिपुर जल रहा है एक साल के बाद। खैर उन्होंने कहा तो सही, क्या अब भी प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे, गृहमंत्री वहां नहीं जाएंगे? कश्मीर तो उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार दरमियान एक बड़ा प्रचार किया था, 370 आर्टिकल हमने निकाला, उसकी सच्चाई भी क्या है मैंने भी रखी थी सबके सामने, और हमारे जो वकील साहब है असीम सरोदे जी उन्होंने भी कहा था। खैर वो बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ा है कश्मीर में? जाने तो जा रही है और ये तो व्यस्त है सरकार की। सरकार हमने कितने बार, तीसरी बार सरकार स्थापन किया, तो तीसरी बार स्थापन किया जरूर, लेकिन आपने अभी का अभी अभी क्या कि पिछले कितने दिन में तीसरी बार हमला हुआ? तीन दिन में तीन हमले हुए हैं, तो जिम्मेदार कौन है? क्या अब भी मोदी जी वहां नहीं जाएंगे? क्या अब भी वो बाकी जो विपक्ष, हम तो विपक्ष नहीं मानते प्रतिपक्ष कहते हैं, उनको ही खत्म करने में अपना आनंद मनाएंगे? तो जिम्मेदारी उनकी है, अगर उनसे ये सारी बातें नहीं संभाली जाती तो फिर से प्रधानमंत्री होने का उनको कोई अधिकार नहीं है।